आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 6 जनवरी श्रेय वरदान की। 6 दिन निकल चुके हैं, टाइम को पता भी नहीं चल रहा है और टाइम उड़ते जा रहा है। उसी तरीके से क्या हमारे मन की स्थिति, हमारी बुद्धि की स्थिति भी उतनी ही स्ट्रांग होती जा रही है कि नहीं होती जा रही है? क्योंकि जो ब्रह्म कुमारी इसमें 7 डेज का कोर्स कर चुके हैं, उनको पता है समय आगे आने वाला कौन सा समय है। तो हम आगे के समय के अनुसार अपनी आज की तैयारी कर रहे हैं कि हम थोड़े ढीले होकर चल रहे हैं। तो आज हमें यही पता चलेगा कि जब हम स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं, स्वदर्शन मतलब हमारा पास्ट जन्म, हमारा प्रेजेंट हमें क्या करना है ताकि हमारा फ्यूचर बहुत ही सुंदर हो। तो उसको कहते हैं स्वदर्शन चक्र। आपने देखा होगा ना, देवी देवताओं के, कुछ देवी देवताओं के हाथों में, फिर उंगलियों में आपने चक्र देखा होगा। और हमने गलत इन्फॉर्मेशन पाई हुई और गलत दिखाया गया है कि उस चक्र से उन्होंने राक्षसों के गले काटे। राक्षसों के गले नहीं काटे, उन्होंने अपने अंदर के राक्षस को खत्म किया। यह पहचान करके, अरे मैं तो जब परमात्मा ने मुझे धरती पर भेजा था गॉड ने, तो मैं बहुत ही पवित्र था, मेरे अंदर क्रोध कैसे आ सकता है, मेरे अंदर अहंकार कैसे आ सकता है। उन्होंने स्व का दर्शन किया कि मैं किस प्रकार का सॉफ्टवेयर या किस प्रकार की सोल या किस प्रकार की आत्मा थी मैं। उनको जब दर्शन होता है तो उनको लगता है नहीं, अब मुझे फिर से वैसा ही बनना है, बिकॉज हिस्ट्री रिपीट्स, चक्र रिपीट होगा, तो मुझे फिर से इस समय वैसा ही बनना है जैसे मैं पहले था। आत्मा की बात हो रही है, स्त्री पुरुष की बात नहीं हो रही है, शरीर के अनुसार आत्मा की बात हो रही है। तो देखें आज परमात्मा कहते क्या है कि हम कैसे ये स्वदर्शन चक्र को घुमाएं और हम दुखों के चक्रों से, सौरों के चक्र से, सौरों दुख के चक्र से हम मुक्त हो जाएं। परमात्मा कहते हैं दुख के चक्रों से सदा मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। विस्तार में चलते हैं। जो बच्चे कर्मेंद्रियों के वश होकर कहते हैं कि आज आंख ने, मुख ने व दृष्टि ने धोखा दे दिया, गलत देख लिया मैंने, गलत सुन लिया आज किसी के बारे में, गलत सुन लिया मैंने, बेइज्जती सुन ली किसी की, किसी की बेइज्जती कर दी मैंने आज, किसी के बारे में बुरा कह दिया, किसी को कानाखोसी कर दी मैंने, किसी को ये मैंने पॉलिटिक्स खेल लिया आज, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे आपके जॉब सिनेरियो में, चाहे बिजनेस सिनेरियो में हो, आत्माओं के साथ तो खेलते हैं ना ये सब कुछ, गलत देखना, गलत बोलना, गलत सुनना उनके बारे में। तो परमात्मा कहते हैं कि धोखा दे दिया, कहते हैं स्पिरिचुअल टर्म्स में कहते हैं कि आंखों ने धोखा दे दिया आज मुझे, कि मैंने कुछ देखना था अच्छा लेकिन मुझे कुछ गलत दिखाई दे दिया। तो धोखा खाना अर्थात दुख की अनुभूति होना, मतलब कि उस दिन आपके अंदर कोई प्योर थॉट्स नहीं गए, आपके अंदर इम्प्योर थॉट्स, इम्प्योर चीजें चलेगी और उस दिन आपका मूड ऑफ रहेगा, गारंटीड मूड ऑफ रहेगा आपका। इसलिए परमात्मा कहते हैं दुनिया वाले कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन चक्कर में आ गए, सुनना नहीं चाहते थे लेकिन बाजू वाले ने ना ऐसी ऐसी चीजें बताई बॉस के बारे में, लेकिन हो सकता है वो सही भी हो, मुझे भी कभी कभी लगता है हाँ ये बोला उसने, ये बोला, फिर औरों को जाके बताएंगे घर में, जब वापस जाएंगे ऑफिस से घर तो घर वालों को बताएंगे, फिर कलीग्स को बताएंगे, फिर फोन करेंगे, फिर टेक्स्ट करेंगे और वही चीज को फैलाते रहेंगे, फिर क्या पता चलेगा, अरे टाइम वेस्ट हो गया, एनर्जी वेस्ट होगी और हमारे मन की प्योरिटी चलेगी, मूड ऑफ रहा और गलत भावनाएं आ गई, गलत दृष्टि आ गई, गलत एटीट्यूड होगा नेक्स्ट डे जब ऑफिस में जाओगे, अपने फैमिली मेंबर्स को मिलोगे उनके प्रति, क्योंकि सब कुछ गलत भर लिया ना अपने अंदर, वायरस घुस गया आपके अंदर, आपके अंदर मतलब आपके मन के अंदर, बिकॉज आत्मा भी एक सटल एनर्जी है, एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आपकी प्रोग्रामिंग गलत घुस गई, मतलब कि आपने एक वायरस के प्रोग्राम को डाउनलोड कर दिया, किसी और की बुराई देखना भी एक वायरस है। फिर परमात्मा कहते हैं लेकिन जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे हैं, मतलब कि जो स्व का दर्शन करते हैं, उनको औरों के दर्शन करने की जरूरत नहीं, और के जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, कैसे करा, क्यों किया, किसने क्या बोला, 10 साल पहले क्या हुआ, 20 साल पहले क्या हुआ, उसने उसको क्या बोला, उनको इन चीजों में टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, वो परमात्मा की याद में रहते हैं और वो अपने आप को चेक करते रहते हैं कि मेरे अंदर क्या खामियां हैं, मुझे निकालनी है। तो लेकिन जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे हैं वे कभी किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकते। कोई अगर उनको कहेगा तुम्हें पता है उसने उसके बारे में क्या बोला, बोलेंगे फालतू बातें मेरे को मत सुनाओ, आप भी मत सुनो और आप भी परमात्मा को याद करो, सिंपल सी बात है। वे तो दुख के चक्रों से मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले मालिक बन सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले हैं। मालिक बन मतलब कि आंखें गलत नहीं देखना है, कान गलत नहीं सुनना है, मुख गलत नहीं बोलना है कुछ, तुम मेरे कंट्रोल में हो, मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हूं, ये पावर वापस लेनी है नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा,
क्योंकि संस्कार बदलेंगे नहीं तो फिर शरीर छोड़ दिया, अगर आत्मा हम निकल गए शरीर से, जिसको कहते हैं देहांत मृत्यु, तो हम ये गलत और गंदे संस्कार लेकर के गए तो हमें अगला घर कैसा मिलेगा, माता पिता कैसे मिलेंगे, सोचिए जरा गहराई से। तो ये सब कुछ सिखाया जाता है ब्रह्म कुमारी में इन डिटेल्स, जो कि आप आकर के सीख सकते हैं कि कैसे अपने मन के अंदर वायरस ना जाने दें, और स्वदर्शन चक्र का मतलब क्या है वो भी आप आके समझ सकते हैं। इसके साथ ओम शांति।